नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराश बिन तुम्हें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ओ फिर कैसे मिले, कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो, होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिनका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अहम योगदान रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर मिस्टर लाल विजय शाहदेव जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको और आपके दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले नए साल के लिए। थैंक यू सो मच, आपको भी, एंड वेलकम टू द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो। कोशिश तो पूरी जिंदगी इंसान करता रहता है, और हाँ, मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कोशिश की है और कोशिश अभी भी करता रहता हूँ, क्योंकि कोशिश के बगैर तो कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, ये तो तय है। और आपका जो प्रोग्राम का नाम है वो बहुत ही सुटेबल है हर कोई ऐसे इंसान के लिए जो कुछ कर पाने की जिद में जिए जा रहा है। और कहीं ना कहीं हमें भी आप जैसे शख्सियत से इंस्पिरेशन मिलती है सर, जिस तरह से आपने काम किया है, क्योंकि इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर मैं मुंबई की बात करूं, और जिस तरह से आपने काम किया है और कर रही हूँ सर, सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। और सर, आप एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हो, तो मैं जाना चाहूंगी सर, सबसे पहले तो मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी, आपके गांव की ओर, कैसा आपका बचपन रहा है, और आपका जो इंडस्ट्री के प्रति जो रुझान, एक्टिंग के प्रति, डायरेक्शन के प्रति रुझान, वो कैसे हुआ सर? देखिए, सपना जो है ना, छोटी जगहों पे भी देखा जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण हूँ मैं बेसिकली एक सबसे छोटे गांव, तब बिहार होता था, झारखंड बाद में बना, झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के एक सबसे छोटे गांव ऐसा पीढ़ी जिसमें मात्र 9 घर हुआ करते थे उस वक्त जब मैं था। बचपन मेरा वहीं बीता, वहीं स्कूल में, गाँव के स्कूल में ही पढ़ाई लिखाई हुई 7वीं क्लास तक। तो वहीं पे जो गांव का जो एटमॉस्फेयर था, आदिवासी जो मेरे काफ़ी दोस्त थे लड़के, उनके साथ मिल चलाने से लेकर गुल्ली डंडा खेलने से लेकर ब्रिटिश जमाने का एक कैमरा मिल जाना मेरे लिए इतना, मतलब मेरा उत्साह बढ़ा देता था कि मैं उससे खेलता रहता था। वो बिगड़ा हुआ था, काम नहीं करता था, बट उसका लेंस दिखता था तो मुझे लगता था कि मैं फोटोग्राफर बन सकता हूँ। और ये जिद जो है, मुझे एक सपना दिखा गया उस छोटे से गांव में, मैं ये सोचा कि यार कुछ तो करेंगे, फिल्म कोई सोच नहीं सकता था वहां से, बट पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ आया तो मैंने फोटोग्राफी शुरू की। फिर मुझे पता चला कि वीडियो कैमरा लॉन्च हुआ था इंडिया में तब, तो एक न्यूज पढ़ा मैंने कि 20,000 में आप वीडियो फिल्म बना सकते हैं, तो वो तब बहुत सपना होता था लोगों को अपना वीडियो देखना, तब मोबाइल नहीं था।
उस सपने को साकार करने के लिए मैंने बहुत सारे अपने जानने वालों के साथ मिलके उनसे हेल्प लेकर एक कैमरा, वीडियो कैमरा लिया कलकत्ता में जाकर, और फिर वहां से शुरुआत हुई मेरी जर्नी वीडियोग्राफी, जो टर्न कर गई फिल्म मेकिंग पे। ओ ग्रेट सर। और सर आपने थिएटर भी किया है बस वहीं पे 1992 आपने में, की? मुझे जी हाँ 1992 में एनएसडी का बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ था। हमारे शहर के पास एक नेतरहाट हिल स्टेशन है, वहीं पे 45 डेज का, तो उसमें मैं सिलेक्ट हुआ था। 30 लोग सिलेक्ट हुए थे, 30 स्टूडेंट, उसमें 30वें में मेरा नाम था। और मैं मतलब काफ़ी मेहनत मैंने की वहाँ पे वर्कशॉप में। तो हमारी जो गुरु हैं अभी भारती शर्मा और विपिन कुमार, वो कैंप डायरेक्टर थे जी एनएसडी थिएटर कैंप के, तो उन लोगों ने मेरी मेहनत और लगन को देखते हुए मुझे मेन रोल, जो थिएटर वर्कशॉप का प्रोडक्शन था उसमें मेन रोल दिया, दुष्यंत का रोल दिया जी अभिज्ञान शाकुंतलम में। और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर मैंने एक ग्रुप बनाया वहीं पे लोहरदगा में। सभी लोग नए थे, कोई पुराने नहीं थे, किसी ने थिएटर नहीं किया था। चुन चुन के जिसमें थोड़ी भी कुछ दिखाई दी मुझे तो उन लोगों को बुला बुला के, और हमने काफी अच्छे अच्छे प्लेज किए। चरणदास चोर, संजय कोतवाल से लेकर थैंक यू मिस्टर ग्लाड तक का सफर देखने लायक था। वहाँ पब्लिक मतलब जितने ऑडियंस आते थे और जितना ऑडियंस का सपोर्ट मिला वो काबिले तारीफ था। जी। और सर थिएटर की अगर मैं बात करूं तो थिएटर बहुत कुछ सिखाता है सर। जो आकृति थिएटर ग्रुप का जो नेम रखा है उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर, क्योंकि बाद जैसे में आप आकृति इंटरटेनमेंट यस प्रोडक्शन जी जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पे ना जो जो थोड़े से आर्ट से कुछ जुड़े हुए थे, जैसे कोई मूर्तिकार था, कोई पेंटिंग करता था, तो उन लोगों को हम लोगों ने थिएटर ग्रुप बनाने के लिए इनवाइट किया कि भाई आप लोग आओ। तो वहां पे एक फाइन आर्ट के बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, देवानंद महतो जी, जो अभी टीचर है नवोदय विद्यालय बिहार में कहीं पे। तो उन्होंने ये लोगों और ये नाम आकृति का प्रस्ताव रखा, जो ग्रुप बने वो आकृति प्रदान करे लोगों को, एक मंच जी। प्रदान करे, उस मकसद से इसका नाम आकृति रखा गया। जी। और सर जिस तरह से मैंने कहा कि थिएटर बहुत कुछ सिखाता है, तो सर थिएटर में आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? क्योंकि फैमिली का सपोर्ट भी होना बहुत जरूरी है। फैमिली मेरे कामों पे ना पता नहीं शुरू से ही कोई इंटरफेयर तो महसूस नहीं हुआ मुझे, बल्कि पूरा सपोर्ट मिला, भाई माँ सबका सपोर्ट मिला। और थिएटर करते वक्त वहाँ जो लोग मिले, जो लड़के मिले, लड़कियाँ मिली, जो एक्टर मिले, वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे, है ना। बिना किसी लालच के पूरे दिन रिहर्सल में आना, हर दिन महीनों महीनों रिहर्सल करके फिर प्ले करना, वो एक जुनून अलग था, वो एक पैशन था, जो आज भी मैं अप्लाई करता हूँ फिल्म मेकिंग में भी ना। पैशन से फिल्म बनती है, सिर्फ पैसों से नहीं बनती। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर हर चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। और सर उसके बाद आपकी जो जर्नी है झारखंड टू मुंबई की जर्नी, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। कितना मुश्किल था सर सफर, क्योंकि आपने आई थिंक मुंबई में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। जब मैं मुंबई आया था मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करने जा रहा हूँ, बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ कर लूंगा। मुंबई जाऊंगा तो मुंबई में ही बसूंगा, ये डिसीजन था मेरा। बाकी शहर इंडिया के दिल्ली कोलकाता घूम चुका था, बट बॉम्बे मैंने छोड़ा हुआ था, अब जो मुंबई है। तो मेरी तमन्ना ये थी कि मुंबई में जाऊं तो मुंबई का ही होके रह जाऊं, तो वो जिद थी। बट आने के बाद पता चला कि भाई बहुत जद्दोजहद है, बहुत तकलीफ है जो झेलना पड़ेगा, बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, 10 चीजों को झेलते हुए फिर भी एक जुनून, कोई कह रहा हूं मैं कि एक जुनून जो था वो सपोर्ट किया। और लोग अच्छे मिले, किस्मत से लोग अच्छे मिले, मुझे मिलते चले गए, और कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट तो उनका काम आता गया और मैं आगे बढ़ता गया। डेफिनेटली मैं अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए कास्टिंग डायरेक्टर, मैं यूटीवी का पहला इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर था, और तब कास्टिंग डायरेक्टर होना बहुत बड़ी बात होती थी, सिर्फ एक दो जी। कंपनी में ही उस समय कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करते थे। और
वो जर्नी भी एक अलग है, और कास्टिंग की इतनी अच्छी पकड़ हो गई थी कि चैनल का डिमांड भी बढ़ने लगा था, तो मेरा नाम होने लगा था और मैं एक बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में फेमस हो गया था। बट मैं उससे निकलने चाहता था, निकलना मुझे जरूरी इसलिए था कि मुझे डायरेक्शन करना था, तो वो एक अलग जर्नी है। और सर कास्टिंग की बात करूं तो कास्टिंग करना भी बहुत ही मुश्किल होता है सर। कास्टिंग डायरेक्टर पर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो बहुत क्योंकि आपने आई थिंक कहता है दिल शरारत भाभी शक्ल अकबों पर हमें कास्टिंग की है, तो कितना मुश्किल था सर? मुश्किल था स्टार प्लस के कोई भी शो को जी हैंडल करना एज कास्टिंग डायरेक्टर, इट वाज टू टफ। लेकिन मैं बहुत जिद्दी था, और आप बिलीव नहीं करोगे, तब स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन बोला जाता था, जब ऑडिशन लेते थे हम लोग आर्टिस्ट को बुला के, और उनका ऑडिशन भेजते थे हम चैनल में। एक बार कुछ चार आर्टिस्ट थे, एनएसडी के एक्टर थे चार, उनमें से तीन एनएसडी के थे, एक थिएटर से था। अब बेहतरीन एक्टर हैं वो लोग चारों, अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग फिल्मों में। अब उन चारों को मैंने ऑडिशन जो भेजा, तो वो चैनल ने रिजेक्ट कर दिया उनको। अब वो जी मेरे लिए ना बहुत शॉकिंग था, यार इतने अच्छे एक्टर का ऑडिशन कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उनको मेकअप वाले को बुलाया, कॉस्ट्यूम वाले को बुलाया, और मैंने एक लुक टेस्ट किया। वो लुक टेस्ट, अभी भी लोग लुक टेस्ट को, नॉर्मल ऑडिशन को भी लुक टेस्ट बोलते हैं। वो जी लुक टेस्ट शुरुआत जो हमने की थी, मुझे याद है कि उनका लुक टेस्ट प्रॉपर, जैसे टपोरी के करेक्टर तो टपोरी की तरह बना के, उसका पूरा कपड़े जी पहना के उसका ऑडिशन भेजा, और वो चारों सिलेक्ट हुए और चारों ने काम किया। तो वो जो मेरे अंदर जो जिद्दीपना था ना, वो थोड़ा काम आ जाता था कभी कभी। तो बाद में लोग रिस्पेक्ट भी करने लगे मेरी कास्टिंग को, मतलब चैनल इंटरफेयर भी नहीं करने लगा था। अब अच्छे अच्छे जी एक्टर जी हमने इंडस्ट्री को दिए हैं, इस बात की खुशी होती है। जी जी और सर पहला आर्टिस्ट कौन था जिन्हें आपने कास्ट किया? बहुत सारे लोग जिनको कास्ट किया, जेनिफर विंगेट हमारी खोज थी उस तरह से। हाँ, ओ और कई लोग, मतलब मुझे तो, मतलब नाम लेने जाऊं तो बहुत सारे हैं, रश्मि देसाई, फिर कितने लोग हैं जिनको हमने ढूंढ ढूंढ के कहाँ कहाँ से उनको जी स्टार जी बनाया। जी जी ये बात सर आपने बहुत ही अच्छी कही है, क्योंकि अगर उस दौर की मैं बात करूं या अभी की मैं बात करूं तो काफी चेंजेज आए हैं इंडस्ट्री में। अब आप ऑडिशन ऑनलाइन सर्च कर सकते हो और पहले चेंजेस आ बहुत गए हैं, मुश्किल होता था सहूलियत हो गई लोग। है, फिर जी भी कास्टिंग करना, मतलब लोगों की कास्टिंग देख के मुझे थोड़ी, मतलब अजीब ही महसूस होता है, क्योंकि जो कास्टिंग हम पहले फोटो देख के करते थे, आज वो ऑडिशन देख के भी नहीं कर पाते, तो इस बात का दुख होता है कि सही कास्टिंग देखने को नहीं मिलती है। बहुत सारे सीरियल और फिल्मों में मैं देखता हूँ मिस कास्टिंग, जिसको कह सकते हैं। तो कास्टिंग का सेंस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लिंक बनने से और सोशल मीडिया आ जाने से आप कास्टिंग इजीली कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, बट सही कास्टिंग करना एक अलग चीज है। राइट सर, ये तो काफी मतलब बदलाव आया है इंडस्ट्री में। और सर उसके बाद आपने यूटीवी में प्रोजेक्ट हेड के रूप में भी काम किया है, माइक के सिबन हाँ, टूर। जी उसी यूटीवी में मैं कुछ सालों बाद प्रोजेक्ट हेड बना था, जो जी जी मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट कहा जा सकता है। और बहुत सारी कंपनी है, डीआर फिल्म का मैं हेड था, बिग सिनर्जी का जी मैं हेड जी था, क्रिएटिव आई का हेड था, कई सारी जी जी बड़ी कंपनीज हो गए, मेडिटेट, उनको मैंने हेड किया, और काफी अच्छे अच्छे जी शोज किए, जी काफी यस माइकी एक्सपीरियंस से बनी के जो लाखों में बाद। एक, जी हमारी देवरानी। करेक्ट करेक्ट, शोभना जी का शो था, और शोभना जी बहुत पुरानी प्रोड्यूसर जी हैं, उनके साथ भी जी काफी जी मैंने। और सर ये सफर कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल ना बहुत होता है, इंडस्ट्री का काम भी ऐसा है कि मुश्किल तो होता है, कभी कभी किसी को आसानी से मिल जाता है, लेकिन मुझे कुछ भी आसानी से नहीं मिला। मुझे बहुत तकलीफ हुई।
हर चीज़ को काम करने में। जैसे अपना प्रोडक्शन हाउस जब तक मैंने स्टार्ट किया तब भी प्रॉब्लम होता था, स्टार्ट करने के बाद भी प्रॉब्लम होता है। आज लोग सोचते हैं ये तो प्रोड्यूसर बन गया, खुश है, FB पे पोस्ट देखने के बाद सबको लगता है कि सब कुछ अच्छा है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर भी स्ट्रगल शामिल होता है, उसके अंदर भी मेहनत और काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है। राइट सर, और सर आपकी जो इंस्पिरेशन रही है अगर इंडस्ट्री की बात करूं, जिन्होंने आपको पुश किया हो, ऐसा कोई सर? मुझे जो सपोर्ट किया है, जी, मैं एक्चुअली बहुत लोगों का शुक्रगुजार हूँ। यू टीवी में जब मैं पहला काम स्टार्ट किया जो कास्टिंग डायरेक्टर, तो मैंने 2 बार छोड़ दिया था कंपनी, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर ऐसा था, माहौल मेरे हिसाब से सही नहीं था। मैं गांव का आया हुआ लड़का, मेहनत सिर्फ करना बड़ी बात नहीं होती है इंडस्ट्री में, आपका और सारी चीज़ें भी मैटर करता है। बट उसमें मुझे कुछ लोग जिनको मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो इंडस्ट्री में मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया, उसमें मैं सबसे पहला नाम लूंगा राधेश्याम गुप्ता जी, बहुत सीनियर प्रोडक्शन कंट्रोलर थे और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मुझे इंडस्ट्री में यूटीवी में लाने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उसके बाद वहाँ काम करते वक्त पलकी मल्होत्रा, जिसको मैं कह सकता हूँ गॉड मदर जैसी वो फील देती थी, उसने काफ़ी हेल्प किया। फिर आगे जर्नी में नीरजा राव, एक बहुत अच्छी क्रिएटिव पर्सनालिटी थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कुछ किया हूँ और अपने अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आया है काम को लेकर, एक्सपीरियंस को लेकर। जी ऐसे कई सारे काम हैं जिन लोगों ने काफ़ी जी सपोर्ट जी किया। जी और सर उसके बाद आकृति एंटरटेनमेंट की स्थापना कैसे हुई सर? और आपने काफी फिल्में भी की हाउस, है और जी जब मैं प्रोडक्शन हाउस बनाने के प्रोसेस में था, तब दिमाग में आया कि नाम क्या रखा जाए। तो थिएटर से एक इमोशनल अटैचमेंट था अपना, थिएटर ग्रुप से, उसको मैं जिंदा रखना चाहता था, क्योंकि मेरे आने के बाद वहाँ पे लोहरदगा में थिएटर बंद ही सा हो गया है, मतलब कोई नहीं कर रहा था। तो मैं सोचा कि उस कंपनी को ही क्यों ना जिंदा रखा जाए आगे, तो मैंने आकृति ही नाम रखा अपनी कंपनी का, और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी तो उसी नाम से रजिस्टर करवाया। और नो डाउट उस नाम से मुझे अच्छा सपोर्ट भी मिला और वो मुझे सूट भी कर किया, और काफ़ी सारे सीरियल, 7 सीरियल कर जी चुके जी हैं अभी लोग, हाँ 5 फिल्में बना चुके हैं, जिसमें दो जी जी हिंदी 3 रीजनल फिल्में भी हैं। जी और सर सीरियल की बात करूं तो बहुत ही मुश्किल होता है एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्ट काम करना सर, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने जितने भी सीरियल बनाए उसमें कोई मतलब सोशल मैसेज होता था, जैसे ये शादी है या सौदा। देखिए, सारे सीरियल हो या फिल्म, मेरे ना सोशल इशू पे ही होते हैं और रियलिस्टिक एक फील देगा आपको, जो मतलब मुद्दे आपको, ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं समाज में, सोसाइटी में फैले हुए, उसी को लेके करने में मुझे मजा आता है शुरुआत से ही। पता नहीं क्यों, हो सकता है थिएटर बैकग्राउंड रहा हो उसकी वजह से, या जिस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ और जिस शहर से फिर बाद में मैंने लोहरदगा से बिलोंग किया, तो वहाँ का जो माहौल था, तो मैं रियलिस्टिक अप्रोच वाली ही फिल्में या सीरियल करने में बिलीव करता था और मुझे अच्छा लगता था। क्योंकि ना फेक सीरियल या फेक ड्रामा करना तो मुझे अजीब ही लगता है, अभी भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और सर एक आपका सीरियल आता था घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले, जो कि एक इमोशनल कॉमेडी थी सर। वो भी आप कह सकते हैं ना कि कॉमेडी होने के बावजूद वो रियलिस्टिक फील देता था, क्योंकि वो ऐसे इंसान जो सुधीर पांडे जी ने करेक्टर किया था, वो करेक्टर इंस्पायर्ड था MDH मसाले वाले, जो वो जो ऐड करते थे उनके ऑनर जो अब नहीं रहे, उनसे इंस्पायर्ड था, जिनको हमने दिखाया है कि भाई वो मतलब बंटवारे के टाइम में पाकिस्तान से भागकर इंडिया आए कड़ाही और कलछुल लेकर, और कैसे अपनी मिठाई की दुकान को फिर से यहाँ पे इंडिया में शुरू किया, और पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, एक इमोशनल कॉमेडी था, बहुत ही अच्छा था वो ड्रामा। और इसके बाद सर आपने एक जो सीरियल आता था सलाम इंडिया, DD किसान के लिए भी आपने शो किया।
सलाम इंडिया एक्चुअली इंस्पायर्ड था, एक स्टार प्लस पे हम लोगों ने शो किया था, लाखों में एक। लाखों तो में वो, जी हाँ, वो 26 स्टोरी के बाद वो बंद कर दिया गया था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार इतनी मेहनत हम लोगों ने किया, अच्छे अच्छे स्टोरी लाए उसमें हमने, और उसमें काफी सारे स्टोरी नहीं बन पाए थे। तो फिर मैंने उसको कोशिश किया कि कोई दूसरा चैनल बना ले, तो इत्तेफाक से उस समय दूरदर्शन पे उसका सिलेक्शन हो गया, और वो सलाम इंडिया के नाम से फिर इंस्पिरेशनल स्टोरीज होते थे जो लोग अच्छा किया, छुपे रुस्तम थे, मतलब सोसाइटी में वो लाइमलाइट में नहीं आ पाते थे, बट उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी स्टोरी हम बनाते थे, और बहुत मजा आता था। पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज बनाए हैं। और सर उसके बाद आपने शॉर्ट फिल्म में भी की है, एक शॉर्ट फिल्म की थी आपने, द साइलेंट स्टैच्यू, जो वो मेरी कि पहली कानपुर फिल्म, फेस्टिवल में, यस फिल्म का जो फिल्म की शुरुआत हुई उसी से एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई, और वो इत्तेफाक से कांस फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हो गई। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए पर्सनली, मुझे तो पता भी नहीं था कि कांस फिल्म क्या होता है नहीं होता है उस वक्त तक। जब सिलेक्ट हुआ, लास्ट डेट में उसका सबमिशन हुआ था और वो वहाँ पर सिलेक्ट हुआ था, वो ठीक है जी। कि वजह से उसको वहाँ पे अवार्ड कैटेगरी में नहीं रखा जा सका, जो मेरे जी लिए जी दुखदाई। बट सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है सर। जी, और उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर, द साइलेंट स्टैचू के बारे में। वो एक स्टोरी, मतलब शॉर्ट स्टोरीज लिखे थे, एक मराठी के राइटर थे, तो उनकी बुक से ही हमने लिया था, उसी से उसी पे बेस्ड था। और मेरे जो दोस्त राइटर थे राजू फिरके और केदार धारवरकर, उन दोनों ने उसको बेहतरीन स्क्रीन प्ले और डायलॉग बनाया था, और उसको काफी दिनों से पोस्ट कर रहा था कि मेरी पहली फिल्म करना तो मैं इसी को करूंगा, क्योंकि तो एक अलग तरह की स्क्रिप्ट थी, यूनिक थी, पूरे वर्ल्ड में देखी जा रही है। आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल में, आकृति सिनेमाज के जो यूट्यूब चैनल है उसमें वो फिल्म लगभग 3 करोड़ लोग देख चुके हैं अभी तक तो, और हर कंट्रीज देख रहे हैं, वर्ल्ड के हर कंट्रीज देख रहे हैं। और वहाँ पे जो शॉर्ट फिल्म कॉर्नर में फिल्म जब सिलेक्ट हुई थी, 16 की बात है, कैंस फिल्म फेस्टिवल में, तब सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी वहाँ पे, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, और वो एक मतलब अच्छा इंस्पिरेशन भी था मेरे लिए, मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। जी, बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं सर थिएटर भी काम आता है, थिएटर जिस तो तरह से काम आप, आता यस जी, है, थिएटर काम आता है, बस उसको आप सिनेमाटोग्राफिक वे पे कैसे अपने आप को चेंज करना है वो सीख जाना जरूरी है थिएटर करने वालों को, बिल्कुल बाकी सर, थिएटर का काम करता है हर जी जगह। जी जी बिल्कुल मैं सर। और सर उस, तो एक्टिंग स्कूल से ज्यादा थिएटर वर्कशॉप करने की सलाह देता हूँ, अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए तो थिएटर करें जी या जी थिएटर वर्कशॉप करें। जी राइट सर। और हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हैं, साध्वी जुड़ी है जो कि बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, मॉडलिंग करती है। मयंक मधुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। अशोक मेहरा जी जुड़े हैं जो कि थिएटर आर्टिस्ट है। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। और सर उसके बाद आपकी एक फिल्म आई फुलमनिया, जो कि हिंदी में भी और नागपुरी में भी आई थिंक हाँ, रिलीज झारखंड का हुई ना है। लोकल लैंग्वेज होता जी है जिसको नागपुरी भाषा बोलते हैं, जी जी वो झारखंड में लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। तो बहुतों की शिकायत थी वहाँ के लोगों की कि आप यहाँ के लिए फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, तो मैंने उसको हिंदी और नागपुरी भाषा में बनाई, और नागपुरी भाषा वाली फिल्म थिएटर में लगी पहली बार कोई। वाह हाँ, पहली बार कोई उस लैंग्वेज में फिल्म, उस लैंग्वेज की क्या बात कर रहे हैं, किसी भी रीजनल लैंग्वेज को मल्टीप्लेक्स थिएटर वालों ने इंटरेस्ट लेके लगाया था। बड़ी फिल्में थी, दो दो बड़ी फिल्में थी हिंदी की उस वक्त, उसके बावजूद उनको उतार के हमारी फिल्म को लगाई गई थी, और वो फिल्म चली सर पहुंची, तो जी वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। जी जी और सर लोहर दगा, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। अगर नाच फीचर फिल्म बैजू की बात नाच करें, मेरी हाँ नैनी, फीचर जी फिल्म की बात करें तो लोहरदगा हिंदी फिल्म है और मेरी पहली फिल्म थी,
एज ए फीचर फिल्म अगर देखें, एज ए डायरेक्टर और एज ए प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, उसको मैंने ही शुरुआत किया था फिल्म। और वो बड़ी मेहनत से एक रियल स्टोरी पे, झारखंड पे एक फेक नक्सली सरेंडर हुआ था जो अभी भी कोर्ट में है मैटर, उस पर बेस्ड थी वो फिल्म, उसी से इंस्पायर्ड थी। और बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी जिसका कैंस फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग भी हुआ था, और वहाँ पे डिस्कशन का मुद्दा बन गया था कि हाउ कैन यू मेक ए फिल्म लाइक लोहरदगा इन सच ए लो बजट, लोहरदगा जैसी फिल्म इतनी कम बजट में कैसे बन सकती है, इस पर वहाँ पे डिस्कशन हुआ था। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और तीन तीन कंट्री से मुझे इनविटेशन आया था उस फिल्म को देखने के बाद कि आप यहाँ पे आके बताएं कि इतने कम बजट में आप इतनी अच्छी फिल्म कैसे बना सकते। तो यही होता है, मैंने पहले आपको मेंशन किया कि फिल्म पैशन से बनती है, पैसे से नहीं। टेक्निकली बहुत लोग बोलते हैं कि यार कम बजट था तो मैंने खराब शूट कर लिया। खराब कैसे शूट कर सकता है कोई इंसान? फिल्म मेकिंग बजट कम हो, आप फिल्म ही तो बना रहे हैं ना, कैमरा तो लगा रहे हैं ना, तो कैमरा का एंगल में पैसे का लेना देना क्या है? परफॉर्मेंस पे पैसे का लेना देना क्या है? एक्टर, सस्ते एक्टर भी अच्छे एक्टर मिलते हैं, नए एक्टर भी अच्छे होते हैं। वो मैं तो नए एक्टर के साथ काम करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ, जिनको कुछ नहीं आता है ना उनसे भी मैं करवा सकता हूँ, ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तो वो मजा आता है। तो मेरा कहना है कि भाई कम बजट और बड़े बजट की फिल्में क्या होती है भाई, मैं कम बजट में भी अच्छी फिल्म बनाता हूँ, यही तो मेरी काबिलियत है। जी जी राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर अभी आई थिंक आपकी एक फिल्म आ रही है कोक। कोक अगेन फुलमनिया से ही थोड़ा इंस्पायर्ड है, एक बांझपन का जो दर्द होता है औरतों में जब वो समाज के चक्रव्यूह में फंस जाती है, तो उनके अंदर एक बहुत बड़ा पेन होता है, उसको हमने हाईलाइट किया है उसके माध्यम से, कैसे एक औरत बांझपन का दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सुसाइड करने की स्थिति में चली जाती है, फिर पति उसको इतना सपोर्ट करता है, उसकी हर बात पे सपोर्ट करता है, और कैसे वो लोग नई जिंदगी जीने के लिए और समाज को भी, परिवार को चेंज कर देते हैं, समाज को चेंज कर देते हैं। तो अगेन वो भी एक बहुत ही अच्छा पारिवारिक फिल्म कह सकते हैं, लेकिन सोशल इशू को लेकर है। विश ऑल द बेस्ट सर। और सर आपकी जो आपने कार्य किया है उसके लिए आपको झारखंड गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है 2019 में। हाँ, जी, और इसके अलावा भी आपको काफी अवार्ड मिले हैं सर। वो अचानक जब मुझे बुलाया गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे वो सम्मान मिलने वाला है, तो और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा वो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। फिल्मों को, इंडियन हिंदी फिल्मों या रीजनल फिल्मों को देश विदेश में पहुंचाने का जो क्रेडिट दिया गया मुझे, उसके माध्यम से मुझे सम्मानित किया गया, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक बात थी। और मैं आपको बता दूं कि रीजनल फिल्म जो मैंने ना, मैंने डिसीजन लिया हुआ है कि मैं हिंदुस्तान के सारे मुख्य जो भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेज है, उस पर फिल्म बनाऊँ, उसी की कड़ी है। नागपुरी मैंने अपने झारखंड की एक लैंग्वेज में बनाई, फिर बिहार, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करता था पहले, अब झारखंड हो गया, तो बिहार को टच किया, तो बिहार का जो लैंग्वेज था भोजपुरी था, फिर मैंने यूपी को टच किया, औधी फिल्म बनाया मैंने खेसारी लाल के साथ, एक औधी बनाई। तो इस तरह से करनी है। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है हिंदी तो करता ही रहूंगा, नो डाउट हिंदी चल रहा है और भी कई सारी चीजें, बट हिंदी के साथ साथ मैं बीच बीच में, जैसे मुझे हरियाणवी फिल्म बनानी है, मुझे राजस्थानी फिल्म बनानी है, तो ये एक मेरा मिशन है, मिशन कह सकते हैं, मैं हर लैंग्वेज में बनाना चाहता हूँ। जी जी और बहुत ही अच्छा मिशन है सर, और वहाँ की चीजें भी उभर के आएंगी, आती हैं उससे, वहाँ का दिखाई देता है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने सीरियल भी जितने बनाए उसमें ना हरियाणा और राजस्थान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, ये शादी है सौदा भी हरियाणा पे पूरा बेस्ड था। जी जी ईश्वर भी हरियाणा और यूपी, मथुरा का मथुरा की कहानी थी, तो उसका मिक्सर था। फिर उसके बाद बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से जो बनाया था मैंने सीरियल, वो भी हरियाणा की स्टोरी थी।
और सलाम इंडिया जो स्टार्ट हुआ तो हरियाणा के ही स्टोरी से स्टार्ट हुआ। एक सरपंच घूंघट प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसकी कहानी से स्टार्ट किया था हमने। तो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं है जो हरियाणा को मुझे जोड़ता है मेरे अंदर। तो अगली नेक्स्ट फिल्म मैं हरियाणवी करना चाह रहा हूँ। ग्रेट सर। और सर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में भी काफी चेंजेस आए, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रचलन भी चला है सर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसका मैं कई मायने से अच्छा भी समझता हूँ। थिएटर को नुकसान हुआ है नो डाउट, बट जो टैलेंट हैं, ज्यादा लोगों को काम मिलने में सहूलियत हो रही है उसकी वजह से, तो अच्छी भी चीज है। लेकिन घर बैठे चलते चलते कार में हर चीज़ अवेलेबल है, तो उससे बड़ा थोड़ा दुख भी होता है कि इतना करीब भी नहीं हो जाना चाहिए था। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इसकी अहमियत ख़त्म हो रही है। वो जो क्रेज होता था ना थिएटर में जाके देखने का फिल्मों को, तो वो नहीं रहा। अब हम लोग भी जो फिल्म बनाते हैं तो थिएटर को जीरो मान के बनाते हैं कि भाई नहीं चलेगी थिएटर में, ऐसा सोच के चले। वही है, ओटीटी ने सहारा दिया है फिल्मों को। आज जो फिल्म मेकिंग हो रही है ओटीटी और सैटेलाइट जो है उसी के भरोसे हम बना रहे हैं। जी जी राइट सर। और सर इसके अलावा जो हमारे साथ कुछ बच्चे भी जुड़े हैं जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं सर, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ शुरू से ही कि पहले सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। आप जो कुछ भी करना चाहते हो, और फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ एक्टिंग नहीं है, बाहर से जब हम फिल्म इंडस्ट्री को देखते हैं तो सिर्फ एक्टिंग दिखाई देता है। ये बहुत अजीबो गरीब इमेजिनेशन है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो फिल्म इंडस्ट्री में उनको ये पता होना चाहिए कि एक्टिंग के अलावे भी बहुत कुछ है। राइटिंग है, डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, एडिटिंग है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है, मेकअप है, हेयर है, आर्ट डायरेक्शन है, साउंड रिकॉर्डिंग है, मतलब पोस्ट का काम है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस पर आप अपना करियर ढूंढ सकते हैं। सिर्फ एक्टिंग करना ही जरूरी नहीं है, हर कोई को एक्टर बनना जरूरी नहीं है। हो सकता है आप एक्टिंग करने आए, आपको आप डिजर्व नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी कहीं पे आपको लगता है किसी ने बोल दिया, सुन लिया, या आपको लगता है मुझे एक्टिंग ही करना है। एक्टिंग आप करो, ट्राई करो, देखो। अगर आपको खुद महसूस करना चाहिए कि मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ कि नहीं, उसके बाद आप लाइन चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री से संन्यास लेने की जरूरत है, बहुत सारे काम है आप कर सकते। राइट सर। जी जी बिल्कुल सही कहा है, एंड थैंक यू सो मच सर। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूँ तो वैसे तो आई थिंक सारी हॉबीज इसी में ही आ गई है, क्योंकि आप एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हो, फिर भी मैं जानना चाहूंगी सर आपकी क्या क्या हॉबीज है। मैं घूमना पसंद करता हूँ, बट साथ में शूटिंग करके घूमू तो अच्छा लगता है मुझे। ड्राइविंग बहुत पसंद है, कार में अभी खुद ड्राइव करता हूँ, और मुझे घूमना देश विदेश कहीं भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को जो हमारे साथ जुड़े हैं? मैं मैसेज तो देखिए कोई फॉर्मूला होता नहीं है, मैं मैसेज देने पे बिलीव नहीं करता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी ट्रेनिंग ले लें, कहीं से कुछ भी सीख लें, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर ही डिसीजन लें कि आपको क्या करना है या नहीं करना है, है ना। और ट्राई जरूर करें, अगर आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है कि ये करना चाहिए, तो उसको ट्राई जरूर करना चाहिए, और 100% एफर्ट के साथ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हवा में बोल दिया चलो कर लिया, सीरियस सीरियस रहना चाहिए। राइट सर, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपको भी थैंक यू, धन्यवाद। और आपने सही कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती, जी जी वो तो आपने सिद्ध करके दिखाया है सर। थैंक यू सो मच, और आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो सर। आप इस माध्यम से लोगों को जोड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू,
आपने हम मुझे बुलाया, मुझे इनवाइट किया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के तुलवार कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की।